नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती का यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो फीस सबमिशन से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे, वो वीडियो में हम आगे बात करने से पहले जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा ताकि वो दिक्कतों से बच सकें। तो पहले सबसे पहले हम वीडियो में इसकी बात करेंगे कि पेमेंट जब आप करेंगे तो देखिए, एक चीज आपको पता है कि जब तक किसी के ऊपर वो घटना नहीं घटती तब तक वो सामने वाले की फीलिंग नहीं समझता है। इसीलिए मैंने खुद से पेमेंट करके देखा तो जो सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की वो चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान दीजिए, मैंने दो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म की फीस सबमिट की थी कल यानी 10 तारीख को रात के 2:01 पर, और एक और मैंने फीस सबमिट की अलग से, दूसरा एप्लीकेशन नंबर था इसी 10 तारीख को रात के 2:16 पर। मैंने ये महसूस किया कि रात को वेबसाइट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो पहला पॉइंट ये ध्यान देने वाला है कि जब भी आप फीस पेमेंट करें तो रात के 2 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ही करें, दिन के समय पेमेंट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वहां पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक आपका क्रेडिट कार्ड, एक आपका डेबिट कार्ड और एक आपका नेट बैंकिंग। तो क्रेडिट कार्ड तो मोस्टली नहीं होता है लोग पास, डेबिट कार्ड से मोस्टली लोग पेमेंट कर रहे हैं और नेट बैंकिंग दूसरा ऑप्शन है। तो डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो नेट बैंकिंग का चुनाव कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पेमेंट फेल नहीं हो रहा है। मैंने दोनों के दोनों पेमेंट नेट बैंकिंग से ही किए हैं और दोनों बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वो पेमेंट हो भी गया। नेट बैंकिंग से आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 757 रुपये जो है वो पेमेंट किए मैंने, जिसमें 750 फीस थी यानी 7 रुपये 10 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, परंतु पेमेंट फेल ना हो ये ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो हर पेज का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर आप पेज देखेंगे तो रेफरेंस नंबर लिखा आता है, स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग, पेमेंट कंफर्म करने से पहले ही रेफरेंस नंबर आ जाता है। रेफरेंस नंबर अगर पेमेंट फेल होता है उस कंडीशन में आपको बैंक से संपर्क करने में या हेल्पलाइन में मांगने में हेल्प करता है, इसलिए रेफरेंस नंबर हर जगह स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। दूसरी चीज एक और ध्यान देना, जब आप पेमेंट वाले पेज पर होते हैं वहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी नंबर और आपका नाम पूछता है, इन तीनों चीजों को अवश्य भरिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जहां पर पेमेंट करते हैं इधर साइड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग लिखा रहता है, उसी पेज पर आप देखेंगे वहां पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका तीसरी चीज आपका नाम पूछता है। तो मोबाइल और ईमेल भले ना भरे, मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा। क्यों भरना है? क्योंकि इस पर जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है एक मैसेज आता है, वो मैसेज अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा अभी, तो मोबाइल नंबर पेमेंट करने से पहले ही पूछ लेता है पेमेंट वाले पेज पे। आगे देखते हैं, तो इसमें जैसे कंफर्म करेंगे जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर लिख करके आएगा और ये पेज मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 सेकंड या 10 सेकंड तक के लिए खुलता है, उसके बाद डायरेक्ट बीपीएससी की साइट पर आपको पहुंचा देता है। तो ये जब तक इससे पहले ही पेज हटे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम ट्रांजेक्शन का और रेफरेंस नंबर वगैरह लिखा रहता है जो कि आपको आगे हेल्प करता है कि अगर ये पेमेंट यहाँ सक्सेस दिखा रहा है आगे जाकर फेल हो गया तो आपको काम आएगा। फिर जब आप वो वापस से बीपीएससी की साइट पर लाता है तो यहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस सक्सेस जो है वो दिखाता है। अब यहाँ पर सक्सेस हो गया है उसके ऊपर प्रिंट करके आपको ये पीडीएफ भी रख लेनी है कि हो सकता हो यहाँ सक्सेस हो गया, वापस से आप लॉगिन करें तो फिर से पेमेंट करने को दिखाए, तो वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको काम आएंगे। अब नीचे आप देखेंगे वैसे पहले ये लिख करके आता है, यहाँ पर जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये सक्सेस वाला मैसेज आता है, तो पहले ये आता है उसके बाद सक्सेस वाला मैसेज आता है। बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपका वही जो मेन पोर्टल है वो खुल करके आ जाएगा, जहां पर अभी आप पेमेंट करने के लिए गए थे उसकी जगह प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके आने लगेगा। मतलब इसका क्या है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। कुछ साथियों के साथ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वापस से पेमेंट करने को बोल रहा है, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, वो मैंने बताया था। और ये वो मैसेज है जो कि मैंने बताया था कि जब आप पेमेंट करेंगे स्टार्टिंग में आपसे मोबाइल नंबर पूछता है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि जितने का भी आपने पेमेंट किया है ये सक्सेसफुली हो चुका है और आपका रेफरेंस आईडी भी देखने को मिलेगा। इससे ये कंफर्मेशन हो जाती है कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो मैसेज में आपको अवश्य से अवश्य जो है वो मोबाइल नंबर डाल देना है। सारी चीजें यहाँ तो हमने समझ ली, अब हम समझते हैं पेमेंट फेलियर को लेकर। तो देखिए जो पेमेंट आपका एक्चुअल में हुआ है वो आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको लेकर के चलते हैं।
जिसका नाम है ईजीपे। जब आप पेमेंट करेंगे तो कोई भी पेमेंट जो होता है गेटवे से कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो पेमेंट आपका हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक ईजीपे के थ्रू हो रहा है। यदि आपको किसी भी प्रकार का स्टेटस, यहाँ पर कोई भी आपको ट्रांजेक्शन स्टेटस देखना है, तो या तो आप ईजीपे ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू, या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, या फिर आपका नेट बैंकिंग का जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है उसके थ्रू, यूपीआई रिक्वेस्टर रेफरेंस या वर्चुअल अकाउंट नंबर, इनमें से किसी भी के भी थ्रू अपना ट्रांजेक्शन स्टेटस देख सकते हैं। यहीं से आपका पेमेंट हो रहा है ईजी पे से। इसके अलावा यहां से अगर आपको देखने में सफलता हासिल नहीं होती है, तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। वो आपका एक कॉन्टेक्ट एस में आईटी ऑनलाइन सेक्शन का मोबाइल नंबर, जिसको मैंने बताया था कि मिलाने पर आपका व्यस्त ही बताता है, तो यहाँ फोन मिलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। बचा आपका यहाँ पर ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पर ज्यादा से ज्यादा लोग मेल कर लीजिए, क्योंकि यही एक आपके पास ऑप्शन बचता है। इस ईमेल आईडी पर जो भी आपकी समस्या है उसको लिख करके भेज दीजिए, और एक दो लोग नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग पेमेंट को लेकर के भेजिए, तो आसानी से वैसे भी कोई काम नहीं होता है। अब एक और जो अगला ऑप्शन है वो है आपका बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी। ट्विटर पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आए दिन इनके जो है वो ट्वीट देखने को मिलते हैं, तो इनको टैग करते हुए भी आप अपनी समस्या जो है वो लिख सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल जो है वो ट्विटर हैंडल है, अतुल पी मेल करके, तो इनको भी आप टैग कर सकते हैं, क्योंकि रिप्लाई मिलने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब जो भी सारी समस्याएं आ रही हैं उनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एक बार पेमेंट कर दिया है, उसके बाद दोबारा से पेमेंट कर दिया है, तो दोबारा बार में सक्सेसफुल हो गया है, तो पहले वाला पेमेंट रिफंड आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल रिफंड आ जाएगा। एक जो रेफरेंस आईडी जनरेट होती है एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, या आप सीधे सीधे ये समझिए कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक ही पेमेंट होता है, तो अगर पहले वाला आपका बाद में आपने फिर से पेमेंट कर दिया तो पहले वाला आपका रिफंड आ जाता है। इन केस नहीं आ रहा है तो आपको अपने बैंक में इसकी शिकायत अवश्य दर्ज करा देनी चाहिए, क्योंकि बैंक में भी ये रूल होता है कि आप पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अंदर ही अगर कंप्लेन लिखाते हैं तो आपका रिफंड जो है मिल जाता है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली भी आ चुका है, सारी चीजें पेमेंट सक्सेसफुल आ चुका है, परंतु जब वो दोबारा लॉग इन करते हैं तो फिर से पेमेंट करने के लिए दिखाता है, वो सर्वर एरर है, वो उसमें वेबसाइट की दिक्कत है। आपकी अगर तरफ से पेमेंट हो गया है तो आपको बार बार दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम कंडीशन आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले किसी का पेमेंट मैंने किया था, और नेट बैंकिंग से ही पेमेंट किया था, उनका पेमेंट सक्सेस भी हो चुका था, सारी चीजें वेरीफाई करके लिख के आ जाता है ना पेमेंट सक्सेसफुल, और उसके बाद उनके साथ ये हुआ था कि दोबारा से पेमेंट में वहां पर जो वेरिफिकेशन दिखाता ना कि हुआ कि नहीं, वहां पर पेमेंट उनका सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, मैंने उनसे पूछा था मुझसे कि क्या जो है वो करें, इसमें पेमेंट नहीं हुआ, तो मैंने कहा था किसी और माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि एक माध्यम से कर चुके हैं, अगर दिक्कत कर रहा है दूसरे कैसे कर दीजिए। तो फिर उन्होंने दूसरे माध्यम से जो है वो, उसी में होता है ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उन्होंने पेमेंट कर दिया था। तो मेरा जो पेमेंट आया था वो लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगा था, वो रिफंड आ गया था। मैंने कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं की थी, और एसबीआई की नेट बैंकिंग थी, ऑटोमेटिक अपने आप रिफंड जो है वो आ गया था। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कंप्लेन अवश्य जो है वो करते हैं। तो लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी, फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आपके पास यही है कि अगर समस्या नहीं सॉल्व हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर इनको टैग करिए, और जो ईमेल आईडी मैंने दिखाई उस पर भी आप हेल्प ले सकते हैं, और बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी कि आपका पेमेंट कहीं जाएगा नहीं, आपका रिफंड जरूर मिल जाएगा अगर आपने डबल पेमेंट वगैरह की है, और पेमेंट अगर सक्सेसफुली हो चुका है फिर भी नहीं शो कर रहा है तो इंतजार ही आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।